स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल टीच यू लेसन नंबर थर्ड, द डेजर्ट ऑफ क्लास सेवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड मीनिंग, आई हैव रिटन सम डिफिकल्ट वर्ड्स एट द बोर्ड एंड देयर मीनिंग्स। तो ध्यान दीजिएगा, पहला है रीजन, रीजन्स। रीजन्स मीन क्षेत्र, एरियाज। स्ट्रेस, एक्सपेंस, फैलाना। शेल्टर, शेल्टर मीन्स छत या घर या रहने का आश्रय जो होता है उसको शेड कहते हैं। शेल्टर मीन्स शेड, यानी रहने का स्थान, आश्रय। रिवॉर्डिंग, गेनफुल, लाभदायक। ओसिस, ओसिस अ ग्रीन लैंड इन डेजर्ट, मरुस्थल में जहाँ पर हरा भरा स्थान होता है उसको मरुद्यान बोलते हैं, तो ओसिस बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। अ ग्रीन लैंड इन डेजर्ट। हीप्स, पाइल्स, ढेर। सेंडंस, सेंडंस मीन्स पाइल्स ऑफ सेंड, यानी रेत के टीले। एडेप्ट, एडेप्ट मीन्स अपने को एडजस्ट करना, एडेप्ट करना। कोई भी, किसी भी हम पर्यावरण में रहते हैं तो वहाँ का एडेप्टेशन हमको करना पड़ता है, तो उसको एडजस्ट यानी ग्रहण करना या ढालना अपने को। वेरिएशंस, चेंजेस, बदलाव। और भी कई वर्ड्स हैं, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द समरी ऑफ दिस लेसन। समरी ऑफ दिस लेसन, मोस्ट पीपल बिलीव दैट द डेजर्ट इज अ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड शेल्टरलेस लैंड। समझ रहे हम क्या? तो बट डेजर्ट इज द होम ऑफ अ वेराइटी टू पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। इट डज नॉट ऑलवेज हैव अ कवर ऑफ ग्रास एंड द रेन इज रेयर। अ डेजर्ट मे समटाइम्स हैव माउंटेन्स एंड हिल्स एंड मे ऑल्सो हैव एन ओसिस। अ डेजर्ट कैन बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक द लद्दाख। सेंडंस आर फाउंड इन दोज डेजर्ट्स विच आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर एंड दे कीप ऑन शिफ्टिंग अक्रॉस द डेजर्ट। The animals and plants of the desert are able to survive on less water. Sheep of the desert, camel can do without water for days together. It can drink a lot of water at one time. Camels do not sweat like us, so they retain the water they drink for a long time. Smaller desert animals get the water they need from the animals they eat. Those who don't eat meat get the needed water from plant juices and seeds. The moisture in the air acts like a blanket in our cities. It protect the earth from the hot rays or the sun, so the earth is not very hot during the day. The same over doesn't let the heat go out during the night, so the earth is not very cold during the night, since there is no such cover in the desert. The temperature rises much during the day and falls much during the night. तो कहा जाता है कि जो डेजर्ट है यानी मरुस्थल है, वहाँ पर ना तो रहने के लिए स्थान है, ना घर है, ना खेती बाड़ी होती है, ना पानी होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ
लोग भी रहते हैं, वहां पर जीव जंतु, पेड़ पौधे, मरुद्यान सब कुछ है। तो थोड़ा सा हिंदी में प्रकाश डालूंगा समरी में। अधिकांश लोगों का विचार है कि रेगिस्तान गर्म, जलहीन और आश्रयहीन भूमि है, परंतु रेगिस्तान विभिन्न व्यक्तियों, पशुओं और पौधों का घर है। बहुत सारे उसमें पशु, जीव जंतु, पेड़ पौधे होते हैं। यहाँ की धरती हर समय घास से ढकी नहीं मिलती है और वर्षा भी दुर्लभ होती है। कुछ रेगिस्तानों में पर्वत और पहाड़ियाँ भी होती हैं तथा कुछ में मरुद्यान भी हो सकता है। रेगिस्तान थार की तरह गर्म या लद्दाख की तरह ठंडा हो सकता है, ऐसा भी है। जो रेगिस्तान लगभग पूर्णतः जल विहीन होते हैं, वहाँ रेत के टीले होते हैं। जो रेगिस्तान में अपना स्थान बदलते रहते हैं, जो रेगिस्तान अपना स्थान बदलते रहते हैं, रेगिस्तान के जानवर और पौधे कम या बिना पानी के लंबे समय तक जीवित रहते रह सकते हैं। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। ऊंट कई दिनों तक पानी नहीं पीता है, एक बार अधिक मात्रा में पानी पीता है और उसके बाद वो जीवित रह सकता है कई दिनों तक बिना पानी के। और दूसरी उसमें एक गुण और होता है कि पसीना नहीं आता है उसका, जैसे हम लोग पसीना बहा देते हैं गर्मी में, उसका पसीना नहीं निकलता है, इसलिए उसको वाटर की कमी महसूस नहीं होती है और उसको आवश्यकता नहीं पड़ती है लंबे समय तक। रेगिस्तान के छोटे प्राणी अपनी आवश्यकता का पानी उन जानवरों से प्राप्त कर लेते हैं जिन्हें वह खाते हैं। अधिकांश वहाँ जो जानवर होते हैं वो एक दूसरे का शिकार करते हैं, यानी मांसाहारी अधिक होते हैं, तो उनको वाटर वहाँ से प्राप्त हो जाता है, इसलिए उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे आवासीय क्षेत्रों में हवा में नमी होती है जो एक चादर की तरह है कार्य करती है। यह सूर्य की गर्म किरणों से धरती की रक्षा करती है, अतः दिन में धरती बहुत गर्म नहीं हो पाती। वही चादर रात में धरती की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, अतः रात में धरती अधिक ठंडी नहीं हो पाती। परंतु ऐसी नमी रेगिस्तान में नहीं होती है, वहाँ दिन में तापमान बहुत ज़्यादा होता है और रात में बहुत कम होता है। तो ये है इसका हिंदी में सारांश। कहने का मतलब है रेगिस्तान में भी लोग रहते हैं, जंतु, एनिमल्स, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, पेड़ पौधे और मरुद्यान भी वहाँ हैं, खेतीबाड़ी भी वहाँ होती है, ऐसा नहीं है कि वहाँ असंभव है जीवन यापन करना। तो ये इसका सारांश है बच्चों। अब अगली वीडियो में इसके प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगा और लिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ध्यानपूर्वक अध्ययन करिएगा।